हम इस वक्त खड़े हैं मीरा रोड के नया नगर इलाके के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित ओपर्ड हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे 9:30-10 बजे के दरमियान कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके बाद में अचानक यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई और अस्पताल में तोड़फोड़ जैसी परिस्थिति बन गई। आप देख सकते हैं कि भाई ये नज़ारा जो है फिलहाल रात में 1 बजे के दरमियान इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर पुलिस तैनात है, पुलिस का भारी बंदोबस्त है। ये मीरा रोड के नया नगर इलाके के आसपास का एक बहुत प्रसिद्ध ओपर्ड अस्पताल है जहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। इस तरह का यहाँ पे अस्पताल प्रशासन का मानना है। यहाँ पे कुछ समय पहले कुछ ऐसे हादसे हुए कि एक मौलाना को सीने में शिकायत की दर्द की वजह से उन्हें यहाँ पे एडमिट कराया गया, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लगातार देर से 2 घंटे वो उस दर्द से जूझते रहे और 2 घंटे बाद अचानक उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद में इस मौलाना के मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे इलाके के जो मुस्लिम समुदाय है, रमज़ान होने के कारण काफ़ी भीड़भाड़ हुआ करती थी, तो लोग उत्तेजित हो गए और यहाँ पर तोड़फोड़ जैसी परिस्थिति बनी। यहाँ के जो बड़े पुलिस के आला अधिकारी है वो भी घटना का जायज़ा लेने के लिए अस्पताल में पहुँचे हैं और किस तरह का नेग्लिजेंस हुआ है, क्या लापरवाही है, किस तरह की शिकायतें सीसीटीवी के आधार पर, इन सारी चीज़ों का मुआयना करने के बाद में अगर कोई बात होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस के अधिकारी इस मामले को जो है FIR में कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है क्योंकि रमज़ान होने के कारण जो यहाँ के लोग जो है भीड़भाड़ लगी रहती है। इसमें हम कुछ लोगों से कुछ समय में बात करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, मौलाना का नाम पता है? नाम बताया और कितने बजे? हैदर जवादी साहब किबला, सैयद जवादी साहब किबला। तो किस तरह की शिकायत लेके आए थे उनको अस्पताल में? उनको से पहले चक्कर वगैरह कुछ आया मेंबर पे, तो उनको यहाँ अंदर लेकर आए, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया ना कोई उन्होंने ये किया, और जिसके वजह से अब ये सारे मसले पेश आ रहे हैं। तो पुलिस वुलिस में ऐसे कोई लिखित राइटिंग में कोई शिकायत वगैरह दी आप लोगों ने? नहीं, अभी उन लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग FIR करेंगे और जो भी हम लोग एक्शन लेंगे अभी उसी के लिए हम लोग खड़े हैं कि अभी वो कब तक क्या करते हैं, और जब तक अभी वो पुलिस वाले हमको कुछ भी नहीं देंगे। अभी उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग रुकिए, हम लोग पूरा FIR करेंगे, हम लोग जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जो भी है कैमरा का CCTV का फुटेज हम लोग निकालेंगे, वो सब चीज़ है हम लोग करेंगे। अभी ये देखना है कि वो करते क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद शाहिद। दूसरे जो मौलाना लोग एक मौलाना को बुलाओ ना कोई।